राष्ट्र के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना, जिसमें रविवार को उद्घाटन किया गया संसद भवन, नया संसद भवन शामिल है, को पिछले कुछ वर्षों में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। परियोजना से संबंधित सभी विवाद या विवाद निर्विवाद रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आते रहे हैं। नवीनतम एक जनहित याचिका है, जिसमें एक वकील ने राष्ट्रपति द्रौपदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के उद्घाटन से दो दिन पहले शीर्ष अदालत की एक अवकाश पीठ ने तमिलनाडु की वकील जया सुखिन द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। एनडीए सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना में एक साझा केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प भी शामिल है। परियोजना के खिलाफ पहला अदालती मामला 2020 में राजीव सूरी और अनुज श्रीवास्तव और अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी देने और दिल्ली शहरी कला आयोग DUAC और भूमि उपयोग के लिए विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदन को चुनौती दी गई थी। DDA अधिनियम के अनुसार परिवर्तन और डिजाइन सलाहकार का चयन आदि। 11 फरवरी 2020 को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए मास्टर प्लान में किसी भी बदलाव को अधिसूचित करने से पहले अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का निर्देश दिया। केंद्र ने उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसमें 28 फरवरी 2020 को DDA को अपने एकल न्यायाधीश के निर्देश पर रोक लगा दी। बाद में शीर्ष अदालत ने मार्च 2020 में व्यापक जनहित में मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर लिया और इसने परियोजना को चुनौती देने वाली अन्य कई याचिकाओं पर भी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को अपना फैसला सुनाया और 2.1 के बहुमत से 13,500 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा रिवैम्प प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, जिसमें कहा गया कि अनुदान में कोई कमी नहीं थी। भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए पर्यावरण मंजूरी और अनुमति की। बहुमत के फैसले में कहा गया था कि यह नीतिगत मामलों के निष्पादन का पूर्ण विराम लगाने के लिए कूद नहीं सकता है और अदालतों को शासन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने विरासत संरक्षण समिति HCC से पूर्व अनुमोदन देने लेने में विफलता जैसे मुद्दों को छुआ। उन्होंने यह भी कहा कि जनभागीदारी महज यांत्रिक कवायद और या औपचारिकता नहीं है। फिर अप्रैल 2021 के अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान निर्माण कार्य को स्थगित करने
स्वास्थ्य और अन्य सुरक्षा चिंताओं को उठाने की मांग की गई थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 31 मई 2021 को परियोजना के निर्माण कार्य को यह कहते हुए जारी रखने की अनुमति दी कि यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। हाईकोर्ट ने 1,00,000 रुपये के जुर्माने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने को हटाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य परियोजना कार्यों को छोड़कर सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनिंदा चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने एक संसद भवन के ऊपर शेर की मूर्ति के डिजाइन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी विचार किया। अदालत ने कहा कि शेर की मूर्ति ने भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 का उल्लंघन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं वकील अल्दानिस रीन और अन्य ने दावा किया था कि प्रतीक चिन्ह शेर अपने मुंह खुले दिखाई देने के साथ क्रूर और आक्रामक दिखाई देते हैं। जनहित याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय प्रतीक के मूल स्रोत सारनाथ में शेर की मूर्तियां शांत और रचित दिखाई देती हैं। आखिरी जनहित याचिका वकील जया सुकिन की जनहित याचिका थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका को दायर करने में आपकी क्या रुचि है? हम समझते हैं कि आप ऐसी याचिकाओं के साथ क्यों आए हैं। क्षमा करें, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने में रुचि नहीं रखते हैं। आभारी रहें, हम लागत नहीं लगा रहे हैं। एक अवकाश पीठ न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने शुक्रवार को यह बात कही। सुकिन ने कहा कि अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति देश का कार्यकारी प्रमुख होता है और उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए था। 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बने नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों को समायोजित किया जा सकता है।